Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn chapter number 13, Life of the People in Maharashtra. So, इस chapter में आपको history के बारे में तो आप ज़रूर पढ़ोगे, but थोड़ा सा आप इसमें आपको geography का भी favor मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में लोग कैसे रहते थे आज से 150 years के पहले. So, let's begin the chapter. If you are new to the channel, please subscribe the channel and also press the bell icons to get the latest videos. अगर आपको कोई specific videos चाहिए तो comment section में हमें ज़रूर बताइए, हम उसका explanation या question answer आपको जल्दी से जल्दी provide करेंगे. So let's begin with our chapter. The Hindvi Swaraj formed by Chhatrapati Shivaji Maharaj was a state of for the people founded with noble intention of the welfare of the common people, removal of oppressions and protection of the Maharashtra Dharma. So most importantly, Shivaji Maharaj ने जो हमारा state बनाया था, जो हमारी territory थी, उसका intention बस ये था कि लोगों का welfare हो, यानी कि लोगों की भलाई हो. It was not formed to extract money from the people. In fact, उसको इसलिए बनाया था कि जो लोग हैं, जो state में रह रहे हैं, वो अपने लाइफ को अच्छे से रह पाए, उनका भलाई हो, ना कि किसी किंग का, किसी राजा का या किसी नोबल मैन की भलाई हो. एंड इट इज़ ऑल थ्रू द हिस्ट्री कि कैसे हमारे महाराष्ट्र में हाउ दिस स्वराज हेल्प द पीपल टू डेवलप इन देयर लाइफ्स. किसी भी तरीके का सोशल ऑपरेशंस जो था, यानी कि सोशल जो दबाव था लोगों के ऊपर से, उसको निकालने का काम किया. सो विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क ड्यूरिंग द राइन ऑफ द मराठास, किसी भी तरीके का कास्ट सिस्टम या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोटेक्शन ऑफ द धर्म. सो जो हमारा धर्म था, जो हमारी वैल्यूज़ थी, जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जो हमारी थिंकिंग थी, उसको 100% सपोर्ट किया जाता था और उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता था. एंड एज वेल एज दूसरों के भी धर्म को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती थी, रिस्पेक्ट दी जाती थी. इन द पीरियड आफ्टर शिवाजी महाराज, मराठा पावर spread to all parts of India. It lasted for about 150 years. So after Shivaji Maharaj, means after the foundation of the Swaraj, जिन्होंने हमारे स्वराज को found किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद मराठास पूरे इंडिया पे फैल गए. They spread it all over India and they ruled many parts of India near about for 150 years. We gathered information about Maratha administration in the last few chapters. And for sure, हमने last के कुछ chapters में देखे हैं कि Marathas ने कैसे administration, कैसे अपने places को run किया, कैसे चलाया. In this chapter, we shall study the social condition and the life of the people in that period. So ये chapter में हम study करने वाले हैं कि कैसे हमारे लोग उस time पर social condition कैसी थी and उनके day to day life कैसे चलती थी. So first of all, we'll see the social condition, the society during the Maratha rule. Agriculture and occupation based on agriculture were major source of production at village level. That is sure, जो primary work होता है agriculture, वही primary source था income का, as well as agriculture से related जो दूसरे बाकी काम थे वो sources थे लोगों के income के लिए village level पे. Patil were responsible for protection of the village. जो patils थे उनका काम था कि वो villages को protect करें किसी भी तरीके के invaders से. एंड द कुलकर्णीज हैंडल्ड द रेवेन्यू. और जो हिसाब किताब का काम होता था वो कुलकर्णीज करते थे. आज के डेट में स्टूडेंट्स, आप ये जो नाम है इसको सरनेम के तौर पे जानते हैं, तो फॉर श्योर वो उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं एंड वहीं से ये परंपरा चलते आ रही है. द पाटिल रिसीव्ड लैंड एज इनाम फॉर हिज वर्क एज अ पाटिल. जो पाटिल्स होते थे उनके ब्रेवरी के लिए, उनके सर्विस के लिए, उनको लैंड यानी कि ज़मीन इनाम के तौर पे, यानी कि एज अ गिफ्ट दिया जाता था, एज अ रिवॉर्ड उनको दिया जाता था. ही ऑल्सो रिसीव्ड अ पार्ट ऑफ द विलेज रेवेन्यू. एंड उनको उनके सर्विस के लिए जो भी रेवेन्यू हुआ करता था, यानी कि जो भी हिसाब किताब हुआ करता था, उसमें से उनको कुछ पार्ट भी दिए जाते थे. द बुलेटेदार्स वर पेड इन काइंड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फूड ग्रेन एक्सेट्रा. सो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में प्रीवियसली जो सिस्टम था मनी एक्सचेंज का, वो मोस्टली बार्टर सिस्टम चलता था. सो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको उनके सर्विस के अकॉर्डिंग एक्सचेंज में फूड ग्रेन्स या फिर ऑब्जेक्ट्स दिया जाता था. जो भी वो काम करते थे लोग उनको उस हिसाब से बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज किया करते थे.
the village occupation were divided into Kali and Pandaris. Peasant worked in their fields in the Kali, that is land, earth and soil, and others, the Pandaris, within the village pretensions. So, काम दो तरीके से डिवाइड होता था. एक जो काम होता था वो पीजेंट्स किया करते थे, यानी कि वो ज़मीन पर, अर्थ पे, सॉइल के हिसाब से काम करते थे, और बाकी जो लोग होते थे वो सर्विस का काम करते थे. जैसे कि अगर कोई फार्मर है वो खेत में काम कर रहा है तो वो काली वाला कैटेगरी में हो जाएंगे. अगर कोई पर्सन है जो किसी का घर बना रहा है तो वो पांडारीज की कैटेगरी में आ जाएंगे. विद इन द विलेज इट वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ विलेज with mutual understanding. Most important, हमारे villages इसलिए तो बहुत happy थे पहले ज़माने में, क्योंकि हमारे villages में जो भी काम हुआ करता था, जो भी चीज़ें होती थी, वो mutual understanding means एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठा कर, समझ बुझ करके, coordination के साथ में किया जाता था. And because of that there was no conflict within the villages. In fact people lived a very happy life. Joint family system was prevalent. उस time पर joint families चलती थी, यानी कि grandparents, parents, अंकल्स, आंटीज, सब लोग एक साथ में एक घर में रहते थे. एंड इट वॉज गिवन वेरी मच इम्पॉर्टेंस. बट सैडली विथ मॉडर्न टाइम्स ये जो सिस्टम है धीरे धीरे करके अब खत्म हो रहा है. लोग न्यूक्लियर फैमिली इसको ज़्यादा पसंद करते हैं. तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए स्टूडेंट्स कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या जॉइंट फैमिली में. लेट्स सी. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. क्या परंपराएं थीं, क्या कस्टम्स थे, क्या ट्रेडिशंस थे, कैसे सोसाइटी चलती थी. चाइल्ड मैरिज वर प्रीवेलेंट. उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज होते थे. एंड सिंस इट वॉज अ सोशल नॉर्म तो काफ़ी सारे लोग उसका सपोर्ट भी करते थे. इट वॉज एक्सेप्टेबल टू हैव मैनी वाइफ्स, विच इज़ यू नो अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग. बट देन टू हम नहीं जानते कि उस टाइम का टिपिकल सोशल कंडीशन क्या था. बट सोसाइटी में टू हैव मल्टीपल वाइफ, एक से ज़्यादा शादियाँ करना एक्सेप्टेबल था. There are few examples of widow marriages in that period, in this period. एक और उस टाइम पे एक कस्टम था कि विडोज जो होती थी, यानी कि अगर कोई लेडी है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है वॉर में या किसी भी रीजन से, तो वो वापस से शादी नहीं कर सकती. एंड इनफैक्ट मैनी प्लेसेस पे तो सती की भी परंपराएं निभाई जाती थी, जिसमें विडोज को अपने हस्बैंड के फ्यूनरल में ही उनके साथ में उनके रिचुअल्स कर दिए जाते थे. तो लेकिन उस टाइम पे ये एक चेंज था, इट वॉज अ पॉजिटिव थिंग कि विडोज का भी रीमैरिज होता था. टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स, बर्निंग, ब्यूरल एंड इमरेशन मेथड्स वर यूज एज पर ट्रेडिशन. तो अगर किसी की मौत हो जाती थी, किसी की डेथ हो जाती थी, तो जो लास्ट राइट्स होते हैं, चाहे वो जलाने की परंपरा हो या दफनाने की परंपरा हो या उनकी जो अस्थियों का विसर्जन का होता है परंपरा, वो सब कुछ अपने ट्रेडिशन, अपने कास्ट के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लोग किया करते थे. मुहूर्त और द ऑस्पिशियस ओकेशंस आर शॉर्ट ऑफ एवरी लिटिल थिंग एंड ऑल्सो टू ओपन बैटल्स. आपने ये वर्ड तो अक्सर सुना होगा, मुहूर्त या तिथि. तो मुहूर्त क्या होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसके पहले हम अपने ट्रेडिशन के हिसाब से किसी प्रीस्ट से, किसी पंडित जी से पूछते हैं कि वो काम करने का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या हो सकता है. तो उस टाइम पर जो भी कुछ हुआ करता था, इनफैक्ट इवन बैटल्स भी शुरू करने से पहले, कहीं वॉर भी शुरू करने से पहले, लोग मुहूर्त निकालते थे एंड उसके बाद ही अपने ऑस्पिशियस काम को, शुभ काम को अंजाम देते थे. पीपल बिलीव्ड इन ड्रीम्स एंड ओमन्स. लोग सपनों में यकीन रखते थे, लोग पुरानी यादों में बिलीव रखते थे. पुरानी याद इन द सेंस कि पुनर्जन्म एंड ऑल दोज फैक्ट्स, मीन्स थोड़ा सुपरस्टिशियस को सपोर्ट किया जाता था उस टाइम पे. अनुष्ठान्स वर परफॉर्म टू अवॉइड वर्थ ऑफ गॉड्स एंड प्लैनेट्स. सो अगेन सुपरस्टिशियस कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई है, हमसे कोई इसी तरीके का कोई पाप हो गया है, हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो लोग अनुष्ठान्स करते थे, यानी कि पूजा अर्चना करते थे, जिससे वो गॉड्स को और जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनके जो बुरे इफेक्ट होते हैं उसको हटा सकें. चैरिटेबल डीड्स वर ऑल्सो डन फॉर द सेम पर्पज एंड पीपल यूज टू डू चैरिटी. चैरिटी यानी कि वो दान करते थे, जिससे कि वो दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सके, एज वेल एज अगर उनको किसी तरीके का माइंड में नेगेटिविटी है, अगर कोई ऐसा सोचता है कि उनको डोनेशन करने से, वो लोगों की हेल्प करने से भगवान का उनको एक ब्लेसिंग मिलेगा, तो दैट वॉज डन फॉर दैट पर्पज़. पीपल बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें लोग
बहुत ही ज़्यादा यकीन रखते थे, यानी कि कॉन्स्टलेशन, ग्रह दशा, अच्छे बुरे मुहूर्त एंड ऑल दोज थिंग्स, ज्योतिष विद्या में बहुत यकीन रखते थे लोग. देयर वॉज अ जनरल लैक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ऑफरिंग टू गॉड वर कंसिडर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन ट्रीटमेंट. सो सिंस हम बात कर रहे हैं काफ़ी सेंचुरीज पहले की, सो दैट टाइम देर वॉज नो मेडिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट. तो लोगों की जो मेंटलिटी थी दैट टाइम, दे यूज टू बिलीव इन सुपरस्टिशियस. एंड इसके लिए अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाती थी, किसी का हेल्थ भी अच्छा नहीं होता था, तो लोग उसको दवाई वगैरह देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस गॉड को ऑफरिंग देने में करते थे, जिससे उन्हें लगता था कि मे बी वो पर्सन ठीक हो जाए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों का रहने का तरीका क्या था, हाउ पीपल यूज टू स्टे. स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द वीडियो इफ यू फील दैट द वीडियो इज ब्लरी और यू आर नॉट एबल टू सी द वर्ड्स क्लियरली, सो सिंपली आपको क्या करना है, अपने सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन को हाई रखिए एंड जो भी हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन हो उसके ऊपर आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा. ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन अपलोडेड टू द चैनल, सो यू कैन चेक आर प्लेलिस्ट फॉर द सेम. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस. सिंस इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टाइम पर विलेजेस में ही रहते थे. द विलेज वर मोस्टली सेल्फ सफिशियंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलेजेस को जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती थी, जो भी उनके डे टू डे लाइफ की यूजफुल चीज़ें थी, दैट ऑल वर प्रेजेंट इन द विलेज इटसेल्फ. सो किसी भी तरीके का उनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता था या किसी और के ऊपर रिलाय होने की ज़रूरत नहीं थी. ओनली सॉल्ट हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्राम अदर प्लेसेस. अब सॉल्ट जो है वो हर जगह तो प्रेजेंट नहीं होता है. जो सी शोर्स होंगे, जो सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, जो सी शोर्स के पास में, वहीं पर सॉल्ट बनाई जाती थी उस टाइम पर. तो विलेजेस को सॉल्ट इम्पोर्ट करना पड़ता था. द नीड ऑफ फार्मर्स वर लिमिटेड. सो सिंस फार्मर्स की जो लाइफ होती है बहुत ही सिंपल होती है, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, तो उनके जो नीड्स भी थे वो भी बहुत लिमिटेड थे. बहुत ज़्यादा वो लग्जूरियस लाइफ में यकीन नहीं करते हैं. दे ग्रू जवार, बाजरी, वीट, नाचनी, रागनी, दैट इज मेज, राइस एंड अदर ग्रेन्स इन देयर फील्ड. सो ऑल दिस वराइटीज वर प्रेजेंट इन द विलेज. जवार मीन्स सारे टाइप के सीरियल्स, पल्सेस एंड जो भी उनको डे टू डे लाइफ में खाने की चीज़ें हैं वो सारा कुछ ग्रो होता था. द डेली डाइट कंसिस्टेड ऑफ बाकरी, ओनियन, चटनी एंड अदर अकम्पनिशमेंट्स. उनका डे टू डे लाइफ का जो खाना था, इट वॉज अ कम्प्लीट हेल्दी डाइट. इट कंसिस्टेड ऑफ अ भाकरी, ऑनियन, चटनी एंड अलग अलग तरीके की जो सब्जियाँ होती थी, सीजनल जैसे अवेलेबल होंगी उस तरीके का वो खाते थे. द बार्टर सिस्टम वॉज यूज फॉर एवरी डे ट्रांजेक्शंस. सो सिंस मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते थे, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लोगों के मन में लालच नहीं आया उसके वजह से. सो जो बार्टर सिस्टम था, मीन्स गुड्स के एक्सचेंज वाले सिस्टम, बार्टर सिस्टम इन द सेंस, स्टूडेंट्स अगर आप आज की डेट में कहीं स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, तो आप उसके रिटर्न में उनको मनी देते हो अपने टीचर्स को. बट बैक इन दैट टाइम लोग उसके उनके सर्विस के एक्सचेंज में उनको मे बी 10 kg ऑफ राइस, 50 kg ऑफ राइस, जो भी उनका डील होगा उसके अकॉर्डिंग उनको गुड्स देते थे. किसी ने राइस दे दी, किसी ने सब्जी दे दी, किसी ने किस और चीज़ दे दिया, इस तरीके का ट्रांजिशन चलता था. विलेज हाउसेस वर सिंपल एंड सिंपल मर्ड एंड ब्रिक कंस्ट्रक्शन. पक्के घर नहीं होते थे. द हाउसेस वर मेड ऑफ मर्ड और ब्रिक्स और सिंपली इवन विद स्टोन्स. वाड़ाज इज वन और टू स्टोरी विच वर सीन इन सिटीज. सो इन सिटी एरियाज सेम टाइप के घर बनाए जाते थे, बट वो 1 या 2 floor के स्टोरीज के हुआ करते थे. राइस, दाल, चपातीज, वेजिटेबल, सलाड, मिल्क एंड दही, दैट इज कर्ड. प्रोडक्ट्स वर मेनली इंक्लूडेड इन द रिच पीपल्स डाइट. जो अमीर लोग होते थे उनके खाने में राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल, सलाड, मिल्क, मीन्स ये भी एक हेल्दी कंप्लीट डाइट उनका हुआ करता था. मैन वोर अ धोती, कुर्ता, अंगरखा एंड मंदस. वुमेन वोर 9-yard साड़ी एंड ब्लाउजेस. दिस वर द क्लोथ्स ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. नोबल्स जो होते थे उनके कपड़े थोड़े से अलग हुआ करते थे. फेस्टिवल, पीपल सेलिब्रेटेड गुड़ी पाड़वा, नागपंचमी, बैलपोआ, दसरा, दिवाली, मकर संक्रांति,
Holi, Eid and other festivals. So all festivals were celebrated in Maharashtra during that time also. In the Peshwa period, Ganesh Utsav was celebrated in many homes. जब पेशवास का रूल आया उस टाइम पर गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र का हमारी शान है हमारा फेस्टिवल सो उसको मनाना स्टार्ट कर दिया गया था. द पेशवा हिमसेल्फ बींग अ डिवोटी ऑफ गणेश दिस सेलिब्रेशंस अक्वायर्ड इम्पॉर्टेंस. सो हमारे जो पेशवा थे वो खुद गणेश श्री गणेश भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे भक्त थे तो उस टाइम पर बहुत इम्पॉर्टेंस दिया गया श्री गणेश की पूजा के लिए. एवरी ईयर दिस सेलिब्रेशन लास्टेड फ्रॉम द भद्रपद चतुर्थी टू द अनंत चतुर्दशी. सो ये एक हिंदी कैलेंडर का मंथ होता है इसमें ये सारा सेलिब्रेशन किया जाता था. दशहरा बींग कंसिडर एज वन ऑफ द थ्री एंड हाफ मोस्ट ऑस्पिशियस मैनी न्यू थिंग्स वर स्टार्टेड ऑन दिस डे. सो जो दशहरा का दिन होता है उसको ऑस्पिशियस माना जाता है यानी कि शुभ माना जाता है तो जो भी नई चीज़ों को शुरू करना होता था वो इस दिन पर शुरू की जाती थी. वेपन्स वर ऑफर्ड पूजा एंड इट वॉज कस्टमरी टू क्रॉस द बाउंड्रीज सेरेमोनियसली एंड डिस्ट्रीब्यूट अप्टा लीव ऑन दशहरा. सो इवन उस दिन पर जो वेपन्स होते थे उसकी भी पूजा की जाती थी एंड जो हमारा बॉर्डर्स होते थे स्टेट बॉर्डर्स होते थे उनके जो उसको क्रॉस किया जाता था एंड क्रॉस करने के बाद जो अप्टा लीफ होता है जो दशहरा के दिन एक्सचेंज किया जाता है उसको भी एक्सचेंज किया जाता था. द मराठास लॉन्च देयर कैंपेन्स आफ्टर दशहरा ड्यूरिंग दिवाली. बाली प्रतिपाड़ा एंड बाहू बीच सेलिब्रेशन हैड स्पेशल इम्पॉर्टेंस. सो महाराष्ट्र में दिवाली भाऊ बीज ये सबको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था. इन मोस्ट ऑफ द विलेज फेयर्स वर हेल्ड बहुत सारे विलेजेस में फेयर्स यानी कि मेले रखे जाते थे जिसमें अलग अलग तरीके के राइड्स अलग अलग तरीके के न्यू शॉपिंग करने के लिए चीज़ें का अरेंजमेंट हुआ करता था. रेसलिंग बॉट्स वर कॉमन फीचर ऑफ द फेयर. जतराज में जो फेयर्स होते थे उसमें से कुश्तियों के जो मैच होते थे रेसलिंग वो बहुत कॉमन हुआ करता था एंड पीपल फ्रॉम यू नो ऑल ओवर द एम्पायर देयर वाज टू कम एंड रेसल ओवर देयर. जो पहलवान्स होते हैं वो हर कोने से आते थे और वहाँ पर रेसलिंग की जाती थी. गुडीज वर रेज टू सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वास. सो गुड़ी पाड़वास के टाइम पर गुड़ीज जैसा आपने देखा होगा ना हम बैम्बू स्टिक पर या किसी स्टिक के ऊपर जो वेसल को रखकर और गुड़ीज बनाते हैं उस तरीके का बना करके सेलिब्रेशन किया जाता था. सेलिब्रेशंस इंक्लूडेड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लाइक सॉन्ग्स एंड डांस. तमाशा वर अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. सो कहीं पर भी जब एंटरटेन कोई सेलिब्रेशन चलता था वहाँ पे सॉन्ग और डांस ज़रूर होता था. जो हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं जो हमारे फोक डांस होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म किए जाते थे. तमाशा हुआ करते थे यानी कि एक तरीके का ड्रामा होता है जिससे कि लोगों को एंटरटेन किया जा सके. नेक्स्ट इज एजुकेशन. पाठशालाज एंड मदरसाज वर द इंस्टीट्यूट दैट इम्पार्टेड एजुकेशन. बैक इन दैट टाइम पाठशालाज एंड मदरसाज दिस वर द प्लेसेज जहाँ पर एजुकेशन यानी कि लोग जाकर नई नई चीज़ों को सीखते थे. रीडिंग राइटिंग अर्थमैटिक वर थॉट एट होम. पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स ये घर पर ही सिखाया जाता था. द मोदी स्क्रिप्ट वॉज यूज इन द मोस्ट ट्रांजिशंस. ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट वॉज कैरिड आउट बाई रोड्स. तो तब तक कच्चे सड़क तो हमारे ऑल ओवर स्टेट था ही. मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू ही हुआ करता था थ्रू घाट्स एंड अक्रॉस ब्रिजेस ऑन रिवर. इवन घाट्स पर भी काफ़ी सारे रोड बन गए थे ब्रिजेस बन गए थे रिवर्स के ऊपर. क्लॉथ फूड ग्रेन ग्रॉसरीज वर ट्रांसपोर्टेड बाई लोडिंग देम ऑन द बैक ऑफ अ बुलक्स. बुलक्स कार्ट पर या फिर बुलक्स के ऊपर जो भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ें होती थी उसको लोड करके लाया और ले जाया जाता था. स्मॉल बोट्स वर यूज इन रिवर्स. मैसेंजर्स एंड कैमल राइडर्स कैरिड आउट लेटर टू एंड फ्रो. छोटे बोट से रिवर में यूज़ किए जाते थे एंड जो भी मैसेंजर्स होते थे वो कैमल्स या फिर दूसरे एनिमल्स के थ्रू हॉर्सेस के थ्रू जो भी लेटर्स होते थे नोबल फैमिलीज के मोस्टली उसको लाने का और ले जाने का काम किया करते थे. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स. सो
People in that time, they were also interested in participating in various kind of sports. Various sports were popular in this period. They were a means of entertainment. So sports को उस time पर entertainment के लिए लोग क्या करते थे? Malkhamb, यानी कि जैसा आप ऊपर diagram देख रहे हो, जो pole malkhamb होता है, उसको किया जाता था. दंड, लाठी, दंडपटा, बोटाई वर प्रैक्टिस्ड. इस सारे स्पोर्ट्स को लोग करते थे. हुतुतु, खो खो, आत्या पात्या वर पॉपुलर आउटडोर गेम्स एंड चेस, कंजफा, डाइस वर पॉपुलर इनडोर गेम्स. सो ये सारे गेम्स जो हैं हम आज भी खेलते हैं एंड आज भी इसको एन्जॉय करते हैं. रिलीजन एंड कंडक्ट. सो उस टाइम पर कौन से रिलीजन्स को फॉलो किए जाते थे एंड लोग उसको कैसे कंडक्ट करते थे, कैसे लेके आगे बढ़ते थे, दैट वी विल सी इन दिस. द टू मेजर रिलीजन सीन इन दिस पीरियड वर हिंदू एंड मुस्लिम. छत्रपति शिवाजी महाराज हैड अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी. हमारे जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका रिलीजियस के बारे में बहुत लिबरल थॉट था. वो अपने रिलीजन के साथ साथ में दूसरे रिलीजन को भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे. द जनरल अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट एवरी वन शुड फॉलो देयर ओन रिलीजन एंड शुड नॉट इम्पोज इट ऑन अदर्स. उनकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि हर किसी को अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए और अपने रिलीजन को ज़बरदस्ती, फोर्सफुली किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए. द गवर्नमेंट गेव ग्रांट्स टू पाठशालाज, टेम्पल्स, मदरसास एंड मॉस्क. इवन गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स देती थी, कुछ पैसे, कुछ फंडिंग्स देती थी जिससे कि वो स्मूथली चल सके. पाठशालाज यानी स्कूल्स को, टेम्पल्स को, मदरसास को, मस्जिदों को. फॉलोअर्स ऑफ बोथ रिलीजन टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ ईच अदर्स फेस्टिवल. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर इंडिया, राइट? सो दोनों भी रिलीजन एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे एंड हैप्पीली सेलिब्रेट भी करते थे. विमेन्स लाइफ. हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द विमेन? विमेन्स लाइफ इन दोज डेज वर फुल ऑफ हार्डशिप. वुमेन की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, उन्हें बहुत हार्डशिप फेस करना पड़ता था. देयर वर्ल्ड वॉज कन्फाइड टू द हाउस ऑफ द फर्स्ट देयर फादर एंड देन देयर हस्बैंड. उनकी जो वर्ल्ड थी वो बहुत लिमिटेड थी, पहले अपने पेरेंट्स के घर में एंड फिर अपने हस्बैंड के घर में. देयर एजुकेशन वॉज निग्लेक्टेड बिकॉज इट वॉज जस्ट अ सोशल बिलीफ. वुमेन्स के एजुकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था. ओनली अ फ्यू एक्सेप्शनल वुमेन हैड अचीव्ड एनी प्रोग्रेस इन लिटरेसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैटल स्किल्स. कुछ बहुत ही सिलेक्टेड वुमेन्स थी जिन्होंने ये मास्टरी हासिल कर रखी थी. दे इंक्लूड वीर माता जीजाबाई, महारानी यशुबाई, महारानी ताराबाई. कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिज, अनइक्वल मैरिज, विडोहुड, केशवपन, सती, पॉलीगैमी हैड इम्पोज्ड हार्श रेस्ट्रिक्शन ऑन द वे वुमेन लिव्ड. सो जो कस्टम्स थे उसके वजह से वुमेन्स की लाइफ और भी मिजरेबल हो गई थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, किसी छोटे एज में शादी करा दी जाती थी, अनइक्वल मैरिज यानी कि जो हस्बैंड होते थे उनकी एज बहुत ही ज़्यादा होती थी, विडोवुड जो हस्बैंड जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, सती या फिर मल्टीपल मैरिजेस की वजह से वुमेन को और भी हार्डशिप फेस करना पड़ता था. द पीरियड फ्रॉम 1630 टू 1810 इज ब्रॉडली डिफाइंड एज महाराष्ट्र शाही. ये जो टाइम पीरियड है उसको महाराष्ट्र शाही बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे मराठास का रूल बहुत ही जोरों शोरों में चल रहा था. लेट अस रिव्यू द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इन ब्रीफ. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मराठास ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. सो वी आर गोइंग टू कवर दैट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन्स एक्सप्लेनेशन. स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.